तो एक फाइल में बना रहा हूँ और ये है एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है, इस नाम से एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर हम बेसिक एच टी एम एल की कोडिंग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं वही H1 या कुछ इस तरह का बना लेता हूँ, ठीक है, और H1 एंड दिस इज हेडिंग, ठीक है, सेव करते हैं इसको। नाम से ये जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या है कि एक्सटर्नल है, क्या है एक्सटर्नल है, दैट्स मीन इसके ऊपर जो हम CSS अप्लाई करेंगे वो इस पूरे कोडिंग में कहीं पे यहाँ पर लिखी भी नहीं होगी, ठीक है, वो एक्सटर्नल होगी, इस फाइल के अंदर नहीं होगी जहाँ पर हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे, ठीक है, नाम आपकी मर्जी का है, जो भी आप रखना चाहो अपनी मर्जी से रख सकते हो, मैं शॉर्टकट स्टाइल रख लेता हूँ, ठीक है, और उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट CSS, क्या होगा CSS, ठीक है, ये वाली जो फाइल होगी इसमें प्योर CSS की कोडिंग होगी, और डॉट HTML जो था उसमें HTML की कोडिंग होगी, और CSS के अंदर जो कोडिंग हुई होगी वो HTML के ऊपर इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसको हम एंटर करते हैं और ये बिल्कुल ब्लैंक पेज हमारे सामने, ठीक है। तो मैंने वहां पे बनाया हुआ था H1, तो मैं वही H1 वही सेम मेथड H1 लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किए, यहाँ पर आपने क्या किया जो भी आपने बताना है प्रॉपर्टी वो बता दी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर होगा, कलर होगा लेट सपोज ग्रीन, ठीक है, और इसी तरह से मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड इसका होगा येलो, ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और हम यहाँ पर अब अपनी इस फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओपन होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई इफेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हमने सेम एक फोल्डर के अंदर, यहाँ पर अगर हम फोल्डर में आए तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हमने ये बनाया है एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल और ये बनाया है स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, ये बन गया। इसके अंदर हमने CSS की कोडिंग कर ली, इसके अंदर हमने HTML की कर ली, अब ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा जब तक हम इन दोनों को आपस में लिंक नहीं कर लेते, ठीक है, हमने इन दोनों को आपस में लिंक करना होगा ताकि इसके अंदर का CSS इस HTML में काम कर सके, ठीक है। तो आपने कहाँ पर आना है, आपने HTML वाले पेज पर आना है, ठीक है, जो कि ये है एक्सटर्नल के नाम से, ठीक है, इसमें आना है और इसमें आपने उस CSS की फाइल को क्या करना है, लिंक करना है, क्या करना है, लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए जैसे हमने आइकन लिंक किया था सेम वैसे ही हम CSS की फाइल को भी लिंक करेंगे, ठीक है। सो हम लिंक लिखते हैं, हमने उसके लिए भी लिखा था, वहां पर हमने रिलेशन और हाइपर रेफरेंस ये दो चीजें दी थी आइकन में, सेम अभी भी वो चीजें देंगे, सिर्फ ये था कि वहां पर रिलेशन में हमने आइकन लिखा था, यहाँ पर रिलेशन में हम स्टाइल शीट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट, क्योंकि वो जो CSS की फाइल है वो इस HTML का स्टाइल शीट है, ठीक है, वो इसको स्टाइल प्रोवाइड करता है। हाँ, नाम यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में हम देंगे, जो भी आपने नाम दिया होगा वो आप हाइपर रेफरेंस में देंगे, नाम कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं आप स्टाइल रखोगे, ठीक है, तो स्टाइल, बट उसका एक्सटेंशन CSS होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंशन आप चेंज नहीं कर सकते, सो एक्सटेंशन आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी फाइल का नाम अपनी मर्जी दे दें जो भी आपने देना है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा अगर आपने CSS को लिंक करना है तो, और हाइपर रेफरेंस के अंदर नाम जो है वो आपकी मर्जी का होगा और बाद में CSS आपने CSS ही लगाना है, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको और यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखोगे कि वो जो हमने वहाँ पे किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, उसके अंदर सिर्फ मैंने कहा था कि H1 का कलर जो है वो ग्रीन होगा और बैकग्राउंड क्या होगा येलो होगा, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर, इस एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल के अंदर जितने भी मैं वो दूंगा H1 दूंगा सबके ऊपर ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया H1 कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल अपने प्योर CSS की कोडिंग करनी, ठीक है, कोई इसके लिए ये नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया, इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ, कोई और एक लेट सपोज मैं एक और H1 बनाता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज अनदर वन, ठीक है, और यहाँ पर आकर
टच करते हैं, इसके ऊपर भी सेम चीज़ें, सेम वही इंटरनल मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये तरीका क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इंटरनल था तो ये तरीका क्यों हम यूज़ करते हैं। इसका एक ही फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि हमारे पास उसमें क्या था कि इन लाइन से इंटरनल का क्या फ़र्क था, क्या फर्क था लाइन में, मतलब बार बार मतलब लोड इन लाइन के अंदर क्या होता था कि आपको हर एक टेक के ऊपर आपको वो सीएसएस की कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो काम करेगा, अदरवाइज जिस लाइन के ऊपर आपने लिखा है सिर्फ उसी लाइन का काम करेगा, ठीक है। जो इंटरनल का ये फायदा था कि ये क्या था कि वहाँ पे जितने भी सेम टैग्स हैं एक बार लिख दिया सबके ऊपर काम करेगा। अब एक्सटर्नल का क्या फायदा है, इंटरनल ये है कि अगर ये हमारे पास लेट सपोज ये है 7-8 जितने भी पेजेस हैं इन सब के अंदर आप इंटरनली क्या करोगे, सीएसएस की कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, एक की कोडिंग दूसरे में अप्लाई नहीं होगी, दूसरे की तीसरे में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने क्या करना है कि एक की सीएसएस की कोडिंग आपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर यूज करनी है, यहाँ पे मैंने H1 बताया इसका ये होगा, तो मैं कहता हूँ इसमें भी वो काम करे, दूसरे में भी काम करे, जिस जिसमें भी H1 है सब के ऊपर ये क्या करे, ये काम करे, ठीक है। तो वो तब भी पॉसिबल है जब उसको क्या करोगे, एक्सटर्नल यूज करोगे, क्या करोगे, अब जिस जिस के अंदर आप एक लाइन की कोडिंग लिंक करोगे, जिस जिस पेज के अंदर इसको लिंक करोगे सब के अंदर ये काम करेगा, समझ आ रही, हर एक पेज के अंदर अलग से आपको नहीं लेना, जब पेज में हम लोग जरूर लिंक करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके पास मुख्तलिफ पेजेस होती हैं, होम का अलग पेज है, हिस्ट्री अलग है, कॉन्टैक्ट अलग है, आप देखते हो कितने सारे पेजेस होते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि आप अब उनके ज्यादातर स्ट्रक्चर सेम होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है सेम है, बैनर वैसा ही है, मेन्यूज का डिजाइन वही है, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह वही है, चीजें सेम है, तो हमने इंटरनली में क्या होगा कि हर एक के अंदर फिर कोडिंग हमें रिपीट करनी पड़ेगी। तो हमने एक्सटर्नल एक फाइल बनाया, उसके अंदर एक बार कोडिंग कर दी, लेट सपोज एक बैनर बनाया मैंने, एक बार उस बैनर की कोडिंग मैंने वहां पे कर दी, अब वो बैनर मैं सबके ऊपर उसके ऊपर सेम स्टाइल्स अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट खोलता हूँ, जैसे ये प्रोजेक्ट है, देखिए इसके अंदर कितनी HTML की फाइल है, ठीक है, ये एक एक वेबसाइट है, और एक वेबसाइट की इतने ज्यादा क्या है आपको पेजेस नजर आएंगे। अब हर एक पेज के अंदर आप सोचने अगर आप अलग से CSS लिख रहे हो तो ये बहुत फारी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज इसमें ही मैंने आज एक और पेज डाला है, तो जो कोडिंग मैंने उसमें CSS में की वो सेम टू सेम कोडिंग मुझे उसमें भी दोबारा रिपीट करनी पड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने एक ही स्टाइल बनाया हुआ, उसके अंदर CSS की सारी कोडिंग वहाँ पे है और वो सबको हेल्प कर रहा है, ठीक है, जितने भी पेजेस हैं इनमें क्या कर रहा है, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा है, समझ आ गई बात। जब मैं यहाँ पे कोई भी खोल लेता हूँ, जैसे अब ये है ना, अब इसमें आप देखें यहाँ पे भी सेम स्टाइल है, आप हिस्ट्री में आ जाए तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है, होम पे आ जाए इसमें भी, इसमें थोड़ा PHP यूज हुआ है तो ये नॉर्मली विदाउट सर्वर नहीं चलेगा, तो इसमें भी PHP हुआ होगा, गैलरी में आ जाते हैं इसमें भी पैटर्न वही साइड पे ऊपर सब कुछ ये। तो हमने क्या करना है कि CSS को हर जगह पे क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, बल्कि एक जगह कर लिया और वो इन सारे पेजेस के लिए काम कर रही, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना ये क्या है, ये एंकर टैग है, जो एंकर टैग मैंने पढ़ाए थे ना आपको, ठीक है, ये वही एंकर टैग है, आप क्लिक करते हो तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर जाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये सारे एंकर टैग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के, ठीक है, तो ये है, तो हम हाइपर रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, एंकर टैग में हम हाइपर रेफरेंस यूज करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो एक्सटर्नल का यही फायदा है कि आपने, जैसे इंटरनल का फायदा था कि आपने हर एक लाइन में नहीं लिखना बल्कि एक बार लिख लिया सारे लाइन्स के ऊपर काम कर रहा है, सर एक्सटर्नल का ये फायदा है कि हर एक पेज के अंदर आपको नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि एक बार लिख लिया वो सारे पेजेस के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक, अच्छा, तो ये हमारे पास मेथड लास्ट मेथड था एक्सटर्नल मेथड, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये करना है कि दो मैंने एडिंग डाली है, दोनों H1 है, पर दोनों के ऊपर मैं स्टाइलिंग कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं डिफरेंट स्टाइल देना चाहता हूँ, इसको मैं डिफरेंट देना, अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मैंने वहाँ पे H1 लिखा है, जितने भी H1 यहाँ पे मैं डालूंगा सबके ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई होगा, बट अगर मुझे इसको अलग स्टाइल देना है, इसको अलग देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है आईडी और एक है क्लासेस, क्या है,
आईडी और क्लासेस। ठीक है, आईडी क्लासेस में क्या होता है कि आपने कुछ कोड लिख लिया, कुछ प्रॉपर्टीज बता दी, कुछ स्टाइलिंग कर ली, ठीक है, और वो स्टाइलिंग जो है फिर आप किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं। समझ आ रही बात? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना H1, ये डायरेक्टली H1 को जाके टारगेट कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई क्लास बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, क्लास बना लेता हूँ, उसके अंदर 10-12 जितने भी लाइनें की कोडिंग मुझे लिखनी होगी वो लिख लूंगा, वो किसी भी काम नहीं करेगी। अगर मुझे काम करवाना है तो मैं उसके कुछ को कॉल करूंगा, क्या करूंगा, कॉल करूंगा। ठीक है, जैसे अभी ये CSS की मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है, ये उस पेजेस में ही काम करेगी जिस पेजों में मैं उसको लिंक करूंगा, क्या करूंगा, लिंक करूंगा। इसी तरह से यहाँ पे एक हम कुछ लाइन ऑफ CSS कोडिंग लिखेंगे और वो तभी काम करेंगे जब हम उसको क्या करेंगे, किसी टैग के ऊपर कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईडी, आईडी किस तरह बनाई जाती है। आईडी में आपने सबसे पहले हैश लगाना है, क्या लगाना है, हैश का सिंबल लगाना है, और फिर यहाँ पे आगे अपनी मर्जी का नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, लेट सपोज पर्ल, ठीक है, मैंने क्या लिखा, पर्ल। ये हैश का क्या मतलब है, आईडी है, दैट्स मीन आईडी पर्ल, क्या लिखा मैंने, अब पर्ल के नाम से कोई टैग है हमारे पास, कोई टैग नहीं, ठीक है, तो ये कोई टैग नहीं मैं बता रहा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने ऊपर H1, ये क्या है, ये टैग है, H1 का टैग है ना, प्रॉपर टैग है H1 का, ठीक है, जब जहाँ पे भी H1 अप्लाई होगा ये उस पर काम करेगा, जहाँ पे भी मैंने H1 का टैग लगाया होगा ये सब H1 के ऊपर काम करेगा, बट ये कोई टैग नहीं है, पल के नाम से कोई टैग है, कोई टैग नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एक आईडी बनाई है हमने, किस नाम से, पल के नाम से, और मैं कहता हूँ लेट सपोज बैकग्राउंड होगा ग्रे, ठीक है, एंड बॉर्डर होगा, ये अभी इसमें थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह इन चीज़ों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल अप्लाई करना शुरू करते हैं। सो 5 pixels सॉलिड, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे फिलहाल किसी के ऊपर भी काम नहीं, किसी का बैकग्राउंड आपको ग्रे नहीं नजर आ रहा, कोई आपको बॉर्डर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बट मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये काम करवाना है तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल में आता हूँ और यहाँ पर जिस दोनों में से जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है उसमें मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा आईडी का, किसका, आईडी का, और उसके अंदर मैं दे दूंगा पल, जो कि वहाँ पे मैंने नाम दिया। अब मैंने वहाँ पे पल के नाम से 2 लाइन लिखे CSS और वो जो है मैंने क्या कर लिया, H1 के ऊपर कॉल कर लिया, यहाँ पे जो है अनदर H1 मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब ये इस पे काम नहीं करेगा बल्कि इस पे काम करेगा, क्योंकि मैंने किस पे कॉल किया, इस वाले पे कॉल किया, तो इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, आईडी पर कलर चेंज है, वहाँ पे मैंने ग्रे दिया हुआ है, अभी येलो है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा जो क्रोम है ये कभी कभी इन चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ उससे क्या वो है, कहाँ गया एक्सट्रीम, ये है, अगर हम इसको ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक डिफरेंट नहीं हुआ, हमने कोई गलती की होगी, हमने दिया है आईडी पर्ल एंड यहाँ पर हमने क्या किया, आईडी पर्ल सेम है, अब चेक करते हैं, ओके, ठीक है, सिर्फ मैंने पी वहां पे छोटा दिया था, वहां पे बड़ा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी H1 है, ये भी H1 है, इसका स्टाइल अलग है और इसका स्टाइल, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, बिल्कुल स्पेलिंग में मिस्टेक, थोड़ा सा केस सेंसिटिव प्रॉब्लम हो गया, वैसे इतना होता नहीं है, बट आईडी वगैरह में, आईडी में ज़्यादा इशू होता है, क्लास में ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
इस पर्पज के लिए हम ज़्यादातर आईडी को यूज़ भी नहीं करते, हम क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों का काम वैसे सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है और क्लास आईडी से बेहतर है इस काम के लिए। तो बताऊँगा ठीक है, तो समझ आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को? ठीक है, ये रोल है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, आईडी थी। यहाँ पर मैं 5 आईडीज बना सकता हूँ, 10 आईडीज बना सकता हूँ, उनमें मुख्तलिफ मैं कोडिंग कर सकता हूँ और वो वहाँ पे ही काम करेगी जहाँ पर मैं उसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे हेडिंग पे कॉल किया है, मुझे पैराग्राफ पे कॉल किया है, मुझे टेबल पे कॉल किया है, इमेज पे कॉल किया, किसी भी चीज़ के ऊपर वो कॉल हो सकते हैं। समझ आ रही बात? कॉल करने का तरीका फिर क्या है कि आपने यहाँ पर आकर क्या कर लिया, आईडी पर लिख दिया, जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है वही सेम नाम आपको यहाँ, यहाँ पे आपने आईडी की पहचान के लिए क्या एट्रीब्यूट डाली, आईडी की एट्रीब्यूट डाली। और सीएसएस में आईडी की पहचान क्या है, ये हैश का सिंबल, इसका मतलब है यहाँ पर आईडी। समझ आ गई बात? इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, डॉट एबीसी व्हाटएवर कुछ भी, डॉट से यहाँ पर क्या मुराद है, क्लास। क्या मुराद है, क्लास। हैश से क्या था, हैश से क्या था, आईडी। ठीक है, जो ये हैश हमने डाला है, ठीक है, इससे क्या था, आईडी थी। और डॉट से क्या है, क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट सपोज फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, और मैं कर लेता हूँ लेट सपोज अल्जीरियन। ठीक है, इसी तरह से फॉन्ट साइज मेरी तकरीबन कोई 30 pixels, बैकग्राउंड ठीक है, अभी किसी का नहीं चल रहा, ये मैंने क्लास बनाया, अभी कहीं कॉल नहीं किया, क्लास बना रहा हूँ अभी, ये डिसाइड नहीं हुआ कि किस के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, फिलहाल इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, कोई यहाँ पर आपको इफेक्ट इसका नज़र नहीं आएगा, तभी नज़र आएगा, मैं चेक करता हूँ, तभी नज़र आएगा जब मैं इसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो यहाँ पर आता हूँ, तो इसको कॉल करने का क्या तरीका है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, क्लास, उसमें क्या लिखा था, आईडी, इसमें क्या लिखना है आपको, क्लास, किसी भी चीज़ को, पैराग्राफ है, कुछ भी है, कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो चुका है। ठीक है, और फॉन्ट साइज भी चेंज हो चुका है, वही अप्लाई हुए हैं जो मैंने यहाँ पर किस में दिए हैं, क्लास में दिए। अब देखो, ये भी एक एच वन है, ये भी एक एच वन है, इसका अलग स्टाइल है, इसका अलग स्टाइल है। और अगर मैं तीसरा एच वन बनाऊंगा, उस पर किसी चीज़ को कॉल नहीं करूँगा, ना आई डी को कॉल कर रहा हूँ, ना क्लास को कॉल कर रहा हूँ, तो कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा, जो ये वाला आप स्टाइल है, डिफॉल्ट स्टाइल वाला। समझ आ रही बात? ठीक है, तो मैंने कहा अगर कहीं पे एच वन होता है तो उसके ये स्टाइल देना, फिर मैंने कहा अगर कहीं ये आईडी कॉल की जाती है तो ये वाला स्टाइल देना, और अगर मैं कहता हूँ कहीं ये वाला क्लास कॉल जाए तो ये वाला स्टाइल। अब देखिए, ये सिर्फ एच वन तक महदूद नहीं है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, दिस इज पैरा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि फिलहाल सेव करके जब चेक करूंगा तो उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग नहीं, क्योंकि ना मैंने वहाँ पे कोई अलग से पैराग्राफ को स्टाइलिंग दिया, ना कोई मैंने क्लास या आईडी पे कॉल किया। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ क्लास इज इक्वल्स टू एबीसी, सेव करते हैं एंड देन मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। हाँ यार, कलर क्यों चेंज है, इसका कलर ग्रीन है और इसका ये, क्योंकि उसमें मैंने डिफॉल्ट में क्या दिया हुआ है, ये कलर दिया हुआ, कलर ग्रीन। समझ आ रही है? इसमें मैंने नहीं दिया। तो अब ये स्टाइलिंग यहाँ से भी उठा रहा है और यहाँ से भी उठा रहा है, जो H1 था वो यहाँ से भी उठा रहा है और यहाँ से भी उठा रहा है, पैराग्राफ सिर्फ यहाँ से उठा रहा है। हाँ, क्योंकि वो जो चीज डिफॉल्ट में है वो यहाँ पे भी है तो वो रिप्लेस कर देगा, और जो चीज यहाँ पे नहीं है डिफॉल्ट में है तो वो उसको रख लेगा और इसको भी, मतलब ये और ये कोडिंग मिक्स करके दोनों को ले रहा है। बैकग्राउंड दो है, येलो भी है रेड भी है, पर वो रेड देगा जो यहाँ पर रिपीट नहीं है। हाँ ठीक है, तो समझ आ गई यहाँ तक बात।
अब आईडी और अब क्लास का काम समझ आ गया कि क्या काम है। अब जो है अब बेशक यहाँ पे 10 आईड क्लासेस बनाओ, 20 बनाओ, जितने आपकी मर्जी आप क्लासेस बनाओ, ठीक है। मैं कोई डेमो आपको दे देता हूँ किसी एक का, लेट सपोज यहाँ पे माई टेस्टिंग सिस्टम है, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई कोडिंग आ जाए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लास रॉ, क्लास कॉलम, क्लास पैनल, क्लास पैनल हेडिंग, ठीक है, क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव, क्लास टेबल, देख रहे हो क्या है ये? हर एक टैग के अंदर क्या यूज हुआ है? क्लासेस यूज हुई, क्लास यूज हुआ। आईडी आपको इतना खास नजर नहीं आएगा, आईडी कहीं कहीं नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको कोई जो है लेट सपोज कौन सा वाला दिखाऊं, ये है, इस पे हम आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो क्लास मेन रेव, क्लास हेडर, क्लास हेडर लेफ्ट, देख रहे हो क्लास लोगो, समझ आ रही है? ये सीएसएस के अंदर सारी क्लासेस बनी है और वहां पे बताया गया है कि क्लास लोगो जहाँ पे कॉल किया उसको ये स्टाइल होना चाहिए, इसका वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ बताया गया। वह इस पर माउस आ जाए तो ये काम करना है, ठीक है, तो ये सब कुछ बताया गया। इसी तरह से क्लास हेडर, उसमें बताया गया भाई क्लास हेडर जहाँ पे कॉल किया जाए तो ये ऐसा ऐसा आपने काम करना है, ठीक है। ये आईडी आपको कहीं कहीं नजर आ रही है, आईडी टूगल बटन और आईडी मोबाइल बटन, देख लो। तो ये आपको कहीं कहीं पे जितने भी यहाँ पर आपको टैग पैराग्राफ है, इस पे अलग आईडी है, क्लास है, इस पे अलग क्लास है, ठीक है। इसी तरह इमेज है, इमेज के ऊपर जो है आपको यहाँ पर क्लास नजर आ रही, नजर आ रहा है क्लास, ठीक है। तो ये है, अब ज्यादातर आपको यहाँ पर यूज क्लासेस का नजर आएगा, आईडीज का बहुत कम नजर आएगा। यहाँ पर आईडी जो यूज की है वो सीएसएस के लिए यूज नहीं की गई, यहाँ पे सीएसएस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का यूज किया गया। ये जो मैं आपको दिखा, इसमें जो आईडी इस्तेमाल हुई वो जावा के लिए इस्तेमाल हुई, किसके लिए यूज हुई है? जावा के लिए इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे जो आईडी है वो सीएसएस के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि क्लास जहाँ पे यूज हुआ है अक्सर में, अब ये इतना लंबा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दो क्लासेस यूज हुई, कितने क्लासेस यूज हुई? दो, एक ये लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन टूगल और एक है नेव लिंक। जो क्लास या आईडी होती है उसमें स्पेस अलाउड नहीं होता, क्या होता है? क्लास में और आईडी दोनों में स्पेस अलाउ नहीं होता। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कहता हूँ पर्ल ए मैंने बना ली, अब ये नहीं हो सकता, ये गलत है, समझ आ रही बात, ठीक है। ये पर्ल ए के नाम से कभी भी नहीं है, गलत लिया मैं ए बी सी और डी को स्पेस दे दूँ तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है, ना क्लास के नाम में स्पेस अलाउड है और ना आईडी के नेम में स्पेस अलाउड है। सीएसएस में लिखते हुए किसी में भी आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। जो है ये डॉट के साथ, डॉट से स्टार्ट होता है और आईडी हैश से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ, इस कोडिंग में आप देखो कॉल करते वक्त आप अक्सर क्लासेस में आपको स्पेसेस नजर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक मिनट बाकी से दिखा देता हूँ, कहाँ है, जैसे ये है, ये क्लास है नेव आइटम स्पेस ड्रॉप डाउन स्पेस डी नन स्पेस डी एस एम ब्लॉक, ये क्या है? मैंने कहा स्पेस आप अलाउ नहीं है इसमें, तो यहाँ पर स्पेसेस हैं जी। यहाँ पर देखें CSS में स्पेसेस नहीं है, HTML में स्पेसेस है, ठीक है। इसका ये है कि ये एक जो टैग है इसके ऊपर एट अ टाइम एक दो तीन और चार, चार क्लासेस कॉल की गई है, ये अलग अलग क्लासेस है, ये एक क्लास नहीं है, समझ आ रही है? देखो आइटम और नेम के बीच में स्पेस नहीं दिया, डैश दिया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक क्लास, ये दूसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है और ये चौथा क्लास है। एक ही क्लास में क्यों नहीं किया, सवाल है ना, एक ही क्लास में क्यों नहीं किया, ये चार क्लासेस का क्या काम है? तो उसने चार क्लासेस डिफरेंट बनाए पर्पस के लिए ना, प्रोग्राम के लिए अपना एक वो बनाया, ठीक है, और अपनी नेविगेशन के जो आइटम उसके रहेगा वो उन्होंने बना दिया। अब ये ना
कि हमने चार क्लासेस बनाए, चार में हमने स्टाइलिंग बताई, ठीक है, हमने वहां से भी स्टाइल लिया, वहां से भी स्टाइल लिया, वहां से भी, और चार क्लासेस से अगर टाइम क्या आ रहा है स्टाइलर। कभी कभी हमें ये होता है कि देखिए मैं एक लेट्स सपोज H1 बनाना चाहता हूँ या पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ, अब तीन चार उस पेज के अंदर पैराग्राफ आएंगे, ज्यादातर स्टाइलिंग उनकी सेम है, फॉन्ट कलर भी सेम है, फॉन्ट स्टाइल भी सेम है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें सेम है, बट कोई एक आध चीज क्या है डिफरेंट, कोई एक आध चीज क्या है डिफरेंट है, किसी में थोड़ा स्पेस ज्यादा है, ठीक है, किसी में अभी आगे बहुत सारे, किसी में शेडो है, ठीक है, किसी में ये कि माउस उसके ऊपर लाओ तो कोई इफेक्ट आता है, कोई कलर चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह का काम होता है, ठीक है। तो अब मुझे चार पैराग्राफ के लिए अलग अलग क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक मेन क्लास बना लिया जिसके अंदर उसके सारे जो चारों में सिमिलर चीजें हैं ना वो मैंने एक क्लास में बना दी। क्या बता दिया, एक क्लास में वो जो सिमिलर चीजें हैं वो मैंने बता दी, और बाकी क्लासेस में मैंने क्या किया उनके डिफरेंसेस बता दिए। सिमिलर जैसे अब देखिए मैं याद आपको बता देता हूँ, अब लेट्स सपोज मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बनाता हूँ एक क्लास ABC के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज में रख लेता हूँ 30 pixels का, लॉक ऑन कर लेते हैं, सो 30 pixels, ठीक है, और इसी तरह से मैं इसका बैकग्राउंड भी रखता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड मैं कहता हूँ लेट्स सपोज रेड है, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो है फॉन्ट फैमिली कोई भी यहाँ पर रख लेते हैं, मोनो स्पेस रख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने रख लिया, इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल के ऊपर ABC मेरे दो जगह कॉल है, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये स्टाइल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी ये स्टाइल लाना चाहता हूँ, बट इसके अंदर इस टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहता हूँ, चेंज रखना चाहता हूँ, इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें मैं कुछ डिफरेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यही क्लास जो है इसके ऊपर भी कॉल कर लेता हूँ, क्लास ABC, ठीक है, फिलहाल तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं लेट सपोज मैं एक क्लास बना लेता हूँ, एक और डॉट किसी भी नाम से बना सकते हो, कलर ब्लू के नाम से मैं बना रहा हूँ, अब ये लाजमी नहीं अब कलर ब्लू के नाम से बनाओगे, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर आ लेता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर मैंने एक ABC भी कॉल किया हुआ, साथ में मैं कलर ब्लू भी कॉल कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया इसके ऊपर दो क्लासेस कॉल की, इनके ऊपर इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर कितनी है, दो है, बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, तो यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देख लो बाकी चीजें मैंने, अब दोबारा इसके लिए मुझे अलग क्लास में मुझे बैकग्राउंड कलर बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे फॉन्ट साइज बताने की जरूरत नहीं थी, फॉन्ट फैमिली बताने की जरूरत, सिर्फ जो मुझे डिफरेंट इससे चाहिए था कलर चेंज करना था मुझे, वो मैंने क्या बता दिया, एक अलग क्लास में बता दिया। अब ये वाला जो है ये कितने जगह से प्रॉपर्टीज उठा रहा है, दो क्लासेस से उठा रहा है, और ये कितने से उठा रहे हैं, एक एक से उठा रहे, समझ आ रही है। ये जब आगे चलकर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, देखो वेबसाइट बहुत बड़ी, उसमें एक दो क्लासेस नहीं बनती, बहुत सारी 150-200-500 क्लासेस आप बनाओ, ठीक है। अब उसके अंदर जो है आपको ये चीजें करनी पड़ेगी कि आप हर एक चीज के लिए अलग अलग क्लास जो है नहीं बना सकते, आप कुछ चार क्लासे अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए बना रहे, हर एक टैग के लिए अलग क्लास नहीं बना सकते, ठीक है, तो आप उन क्लासेस को मिक्स करके एक स्टाइल अप्लाई कर सकते, ठीक है। इसी तरह का एक वो है फ्रेमवर्क बना हुआ है CSS का, बूटस्ट्रैप के नाम से, सुना आप लोग नाम उसका, आपने सुना है ना, बूटस्ट्रैप में क्या है कि सब कुछ बना बना है, CSS की कोडिंग मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊँगा HTML कोडिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और उसके अंदर क्लासेस प्री डिफाइंड क्लासेस है, पहले से क्लासेस बनी हुई है, मैं सिर्फ उन क्लासेस को कॉल करूँगा और बस काम खुद ही होता रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अलग अलग क्लासेस बनाई गई है, जैसे आप इसमें अगर मैं आपको दिखा सकूं,
एसेट्स सी एस एस बूटस्ट्रैप मेन सी एस एस मेन तो बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल सी एस एस अगर मुझे मिल जाए, चलो स्टाइल डॉट सी एस एस खोल लेते हैं। ये अगर आप देखोगे ये ऊपर क्या बताया हुआ, डिफ़ॉल्ट चीज़ें बता देंगे। यहाँ पे देख रहे हो ये डिफ़ॉल्ट बताया हुआ है। मैं नीचे आता हूँ, देखो क्लासेस सिर्फ देखते जाओ, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, ठीक है। नीचे आप आए तो आपको ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देख रहे हो। हाँ बेशक एक एक लाइन की इसके अंदर चीज़ें इसकी खोल, ठीक है। तो ये टेबल के लिए जो क्लास कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ इस पूरे सी एस एस फाइल है, इसको आप अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या कर लें, नहीं कर, ठीक है। उसमें आप जब टेबल बना रहे हैं, बस टेबल आपने वहाँ पे क्लास दे दिया, क्लास टेबल, अब इसको खुद ब खुद बॉर्डर्स वगैरह जो बेसिक उसका वो है खुद ही अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बॉर्डर टेबल वाइट कलर में चाहिए तो आप ये क्लास कॉल करो, ठीक है। कर सकते हैं एडिटिंग, ये बनी बनाई चीज है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये सब कुछ ये इसके अंदर बताया गया बहुत कुछ। इसी तरह से अगर मैं लेट सपोज इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ बटन, अब यहाँ पे देखो अगर बटन वाइट बनाना है तो ये वाला क्लास कॉल कर लो, ऑटोमेटिक आप क्लिक वाइट का बटन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं एक मिनट, अगर आपको राउंड चाहिए, आपको बटन चाहिए बट राउंड चाहिए, वाइट कलर में चाहिए, आपने वाइट क्लास भी कॉल कर ली और साथ साथ में कौन सी क्लास भी कॉल कर ली, सर्कल की क्लास भी कॉल कर ली, दो क्लास कॉल कर ली, वाइट बटन बन जाएगा, साथ में वो क्या होगा, सर्कल में होगा। अब मुझे साथ में मैंने बीजी प्राइमरी, प्राइमरी एक थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, ठीक है ना, आपने वो कॉल कर लिया तो अगर आपने ये सक्सेस कॉल कर लिया ग्रीन कलर का बन जाएगा, समझ आ रही। इन्फो कॉल कर लिया ये भी कुछ ब्लॉक, वार्निंग येलो कलर है इसमें, ठीक है, डेंजर इसमें रेड कलर है, आपने एक बटन बनाना है रेड कलर का, आपने उसके अंदर क्या कर दिया, डेंजर की क्लास कॉल कर दिया। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सर फाइल को डाउनलोड करनी पड़ती है, ये सीएसएस की फाइल्स होती हैं वहाँ पे बूटस्ट्रैप पूरा एक डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ सीएसएस की और कुछ जावा की फाइल्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कोई इसको खोल लेता हूँ, अब इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग है शायद आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ये चीज़ें हैं। मुझे लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे बटन, जैसे ये बटन है, इसको चेंज करना है या कोई और बटन बनाना है, मैं इसके इंडेक्स पे आ जाता हूँ, डैशबोर्ड ये वाला है, ठीक है, इंडेक्स टू है, ये सब कुछ इसके अंदर, कहीं पे मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, और मैं उस पर सी एस एस में नहीं जाना चाहता, मुझे ग्रीन कलर का बटन चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक बटन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसकी उसमें आता हूँ, कोडिंग में आता हूँ, इंडेक्स टू, ये देखिए कितने ज़्यादा इसकी पा रहे हैं, सारी एचटीएमएल की पा रहे हैं, ठीक है, और इनका सी एस एस कोई एक, ठीक है, तो एक मिनट, इंडेक्स ये है इंडेक्स टू, ठीक है। इसके अंदर मैं आता हूँ और मैं ये बहुत ज़्यादा कोडिंग है, आप कन्फ्यूज नहीं होना है इसको देख के, ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू पेशेंट्स, ये है हमारे पास जो है न्यू पेशेंट्स का कहाँ पे पड़ा हुआ है, न्यू पेशेंट्स, ये न्यू पेशेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक मैं एक न्यू पेशेंट के आगे एक बटन बनाना चाहता हूँ, ये देखें न्यू पेशेंट्स, ठीक है, ये कोडिंग मेरे सामने जो खुली हुई है सब किसी की खुली हुई है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके आगे एक बटन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने लेट सपोज एक एंकर टैग लिया, एंकर टैग आपको पता ना एक पेज से दूसरे पेज के लिए करता है, मैं इसके एंकर टैग के अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ, न्यू बटन, ठीक है, बटन शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले, ये देख रहे हो न्यू बटन, ये अभी मैंने, अब इसको मैंने क्या करना है, समझो इस तरह का स्टाइल दिया, समझ आ रही है। तो क्लासेस इसमें प्री डिफाइंड है, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें क्लास बनाऊँगा, क्लास कॉल करूँगा, बनाऊँगा नहीं, बनी हुई है क्लासेस, ठीक है। सो मैं क्लास करता हूँ, मुझे चाहिए एक बटन, बटन जो है वो होना चाहिए लार्ज एल जी, ठीक है, और बटन जो है वो होना चाहिए इन्फो, ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ पर आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख लो जी,
ठीक है, मैं इसी तरह मैं ये कॉल कर रहा हूँ बनी बनाई क्लासेस, मुझे याद है बूटस्ट्रैप की काफ़ी क्लासेस ना, क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ तो मुझे बूटस्ट्रैप की क्लासेस याद है। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे चाहिए बटन, जी सर ब्लॉक, जी जी देखो और बढ़ाओगे ब्लॉक की शक्ल में आ गया, ठीक है। मुझे ये इन्फो नहीं बल्कि मैं करता हूँ इसको डेंजर बटन डेंजर सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या हो गया, रेड कलर में हो गया, सक्सेस करूँगा ग्रीन कलर में हो जाएगा, समझ आ रही है। अब ये क्लासेस क्या है, वहाँ पर बनी बनाई है। अगर ये क्लासेस मैं यहाँ पर जो मैंने इसका सी एस एस खोला है, ठीक है, जो इसका सी एस एस खोला है वो कहाँ पर है, मैं जाता हूँ इसके सी एस एस में, सी एस एस और ये स्टाइल में, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जो मैंने किया बटन, लेट सपोज बटन कौन सा किया था, डेंजर डेंजर, ये बटन डेंजर, इसमें बैकग्राउंड बताया बॉर्डर भी बताया, सिर्फ मैंने ये क्लास क्या किया कॉल किया, ठीक है, ये क्लासेस बनी हुई है, समझ आ रही है। क्या करना है आपको, पूरा तो कॉपी कर सकते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा थोड़ी वो है, पूरे फोल्डर को आप कॉपी करते हो, आपके सामने ये आ गया, जैसे मैंने इसके अंदर एक नया बटन ऐड किया, आप इसी तरह अपनी मर्जी से उसके अंदर एडिटिंग करते हो, खुद की चीज़ों को कुछ को रिमूव करते हो, अपनी मर्जी की चीज़ें डालते हो। तो अभी इन चीज़ों में आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ मेरा मकसद ये था कि जो क्लासेस हैं वो आप क्या कर सकते हो कि एक चीज के ऊपर मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर सकते, चीज एक है, ठीक है, क्लासेस उसके ऊपर क्या है मल्टीपल कॉल, किसी में क्या चीज है, किसी में क्या है, किसी में क्या रहा, बट आईडी में ये काम आप नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्लासेस को यूज करते हैं, आईडीज को सीएसएस के स्टाइलिंग के लिए यूज नहीं करते, समझ आ रही है। अगर यही काम मैं आईडी के साथ करूँगा, दो तीन आईडी बना लूंगा, एक कॉल करूंगा दूसरी कॉल करूंगा, काम नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक आईडी भी काम नहीं करेगी, जब तक मैं एक आईडी को कॉल करूंगा वो काम करेगी, जैसे ही मैं दूसरी आईडी को कॉल करूंगा दोनों काम करना बंद कर देगी। और क्लास में क्या होता है कि एक चीज आपने बनाई उसके ऊपर आप मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। समझ आ रही, कंफ्यूज नहीं होना है, आसान सी चीज़ें, आईडी हेड से स्टार्ट होती है, क्लास डॉट से स्टार्ट होता है। सर ये कोडिंग कैसे सीखेंगे सर, ये आहिस्ता आहिस्ता ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो आपने एचटीएमएल एचटीएमएल सीख लिया ना, अब आपके सामने अगर मैं एचटीएमएल की कोडिंग खोलूँ तो आपका आसानी से समझ आ जाएगी, बट ये कोडिंग इसलिए आपके थोड़ी कन्फ्यूज कर रही है कि इस लेवल तक आप पहुँचे नहीं, ठीक है, तो आपने इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, ये सारी आपको समझ आना लगती है, ठीक है। तो और ये आप बोर्ड में इतनी ज्यादा कोडिंग है तो कुछ नहीं होता, समझ आ रही है, जब ये कॉपी होता है, जब बंदा बंदे के जहन में होती है ना एक चीज बस वो, और ये एटम तो बहुत आसान है, आपने बैकग्राउंड का बी ए लिखा और खुद ही आ जाता है इंटर कर कि ठीक है आगे कुछ आए बस इंटर करते जाओ, बस उसका शुरू के एक दो लिखो एंटर करो, बस वो आपके सामने हिंट खुद ही दे रहा होता है, आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चीजों में ये हेल्प करता है, समझ आ रही है। स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है इतना, कोई वो करने बस आपकी चीज़ें जो है ना वो जैसे आप लिखते जाते हो आपके सामने आती जाती है, ठीक है ना, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आज जो आपने देखना है आईडी क्या है, क्लास का है, इन दोनों का काम क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का काम सेम ही है, फर्क यह है कि एक एलिमेंट के ऊपर एक टैग के ऊपर एक ही आईडी कॉल हो सकती है, बट जो क्लासेस हैं वो एक ही एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस कॉल हो सकती हैं, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस को यूज़ करते हैं, आईडी को यूज़ नहीं करते। आगे चलकर जब आप जावा पढ़ोगे देन फिर वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, आईडी को यूज़ करेंगे। अब ये सीएसएस है, आईडी में भी जो है सॉरी क्लास है वो इसमें सीएसएस में भी काम देगा और आगे चलकर आपको जावा में भी काम देगा, और जो आईडी है वो भी दोनों में काम देगा, बट यहाँ पर हम क्लासेस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सीएसएस के साथ और आईडीज यूज़ कर सकते हैं करते हैं जावा को, समझ आ
समझ में आ गई बात यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आज सिर्फ आपने एक्सटर्नल देखा और आईडी और क्लासेस देखी बस, और ये इनको देख के मत कन्फ्यूज हो जाओ इतने सारे कोडिंग देखिए, ये आपको सारी समझ आने लग जाएंगी। बैकग्राउंड कलर क्या है, वॉक शेडो क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, बॉर्डर रेडियस क्या है, बॉर्डर क्या है, सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये इनका तो ये फ़ायदा है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं।